क्या आप जानते हैं हर एक इलेक्शन में सेंटर स्टेज बनने वाले आम्बेडकर, हर इलेक्शन के अंदर सेंटर स्टेज बनने वाले आम्बेडकर। उसने अपनी ज़िंदगी में आज़ादी के बाद दो इलेक्शन लड़े और दोनों हार गए। आई रिपीट, आम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी में आज़ादी के बाद दो इलेक्शन लड़े और वो दोनों हार गए। आई रिपीट, आम्बेडकर ने अपनी ज़िंदगी में दो इलेक्शन लड़े और वो दोनों हार गए। लेकिन आम्बेडकर दो बार सेलेक्ट भी हुए थे। पहली बार सेलेक्ट हुए थे 1926 में, कौन सी सीट पे? भाईकुला, महाराष्ट्र, मुंबई। ये सीट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी सीट से जिन्ना इलेक्ट हुआ था 1946 में। जिन्ना किसी पाकिस्तान में इलेक्ट नहीं हुआ था, जिन्ना इलेक्ट हुआ था भाईकुला, महाराष्ट्र में, मुंबई में। और आज उसी सीट के ऊपर वो ओवैसी की पार्टी, अभी कुछ दिन पहले तक ओवैसी की पार्टी उसी सीट से जीत रही थी। इस बार शायद कांग्रेस की सीट है। वो एक लवारिस पठान है ना, वो उसी सीट से जीतता है। तो अम्बेडकर ने जिस सीट पे पहली बार इलेक्शन लड़ी या नॉमिनेट हुए, वो सीट से पाकिस्तान जनरेट हो गया। लेकिन एक और भी कमाल है, अम्बेडकर दूसरी बार भी सेलेक्ट हुए। अम्बेडकर दूसरी बार भी इलेक्ट हुए और उस बार इलेक्ट हुए वो जयसोर और खुलना। ये कहानी बड़ी अजीब सी है कि अम्बेडकर को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कहीं से भी सीटें नहीं मिली। तो एक बंदा है जो पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर था, योगेंद्र नाथ मंडल। उसने अपने चेले चपाटों से कह के, जो आज के डेट में बांग्लादेश है, जयसोर एंड खुलना उस जगह का नाम था, वहाँ से अम्बेडकर को उसने नॉमिनेट कराओ। अभी जयसोर कहाँ पे? तो ये जयसोर आज कोलकाता से तकरीबन 130 किलोमीटर के ऊपर है, 4.5 घंटे के रास्ते है। मतलब अम्बेडकर के साथ एक कमाल की चीज़ ये रही कि गुलाम भारत में अम्बेडकर जिस जगह से पहली बार इलेक्शन जीता वो पाकिस्तान, उस जगह से पाकिस्तान जनरेट हुआ। और जहाँ से दूसरी बार इलेक्शन जीता वो जब जगह बांग्लादेश में चली गई। और बचे हुए हिंदुस्तान में उसने दो बार ही इलेक्शन लड़ी और वो दोनों बार ही इलेक्शन हार गए।